नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के और पालक से नया नाश्ता। तो कैसे बनता है चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी, छोटी कटोरी है ये, भी कम आटा लिया है बाइंडिंग के लिए। थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, हींग चुटकी भर। इसमें हम डालेंगे पालक धोकर अच्छे से और इसके पत्ते उबाल कर थोड़े से, और इसको पीस लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। घोल हमारा रेडी है, इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए हमें, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा बहता हुआ। इसे हम 5 मिनट के लिए अलग से रख देते हैं। थोड़ा पनीर लिया है, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज, और हरी मिर्च हो तो हरी मिर्च डालिए, नहीं तो लाल मिर्च है मेरे पास, मैंने ये डाली है। थोड़ा धनिया पत्ती। अब इसमें डालेंगे नमक, इसी लाल मिर्च एक चुटकी, चाट मसाला, और इसकी अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने पैन गरम कर लिया है, थोड़ा सा तेल जो भी आप यूज़ करते हो। इसका चीला बना लेंगे। एक मिनट के लिए ढक्कन लगा दें। अब इसे हम पलट लेते हैं दूसरी तरफ से भी, इसी तरह से हम सेक लेंगे इसे। अब दूसरी तरफ से भी सिक गया है, पलट के देख लेते हैं। ये देखिए एकदम से। अब स्टफिंग डाल देंगे। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो पालक और मक्का का आटा के साथ हमने ये चिल्ला बनाया है, और स्टफिंग भी बहुत अच्छी है इसमें, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में बहुत ही स्वाद है और देखने में भी। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने मूली और सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।